ओम ज्ञान्तिमिदंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगनानुगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगनानुगुणा श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बोधने श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 18। विदुरस्तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अपासत राजन निर्गमयताम शीघ्रम पश्येदम वयमागतम। महात्मा विदुर न्यू ऑल दिस एंड देयरफॉर ही एड्रेस्ड धृतराष्ट्र सेइंग माय डियर किंग please get out of here immediately, do not delay, just see how fear has overtaken you। तो हमने पिछले श्लोक में देखा सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे काल का प्रवाह किसी के लिए रुकता नहीं है और हरेक को निगल लेता है। तो हमने देखा कि काल एक सर्प की तरह है, काल सर्प हरेक व्यक्ति को निगल लेता है, या काल एक नदी की तरह है हमेशा निरंतर बहता रहता है। अब नदी के पास जाके देखेंगे दिन है दोपहर है रात है नदी बहता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। नदी के तट पे अलग अलग साम्राज्य आके जाते हैं पर नदी बहता रहता है। तो वैसे ही काल बहता रहता है और लोगों को जो इंद्रिय भोग में लगे हैं अपने परिवार को संभालने में लगे हैं और इधर ही सुख पाने के लक्ष्य में वो लगे हैं ऐसे व्यक्ति का जिंदगी काल निगलते जाता है। तो इसलिए विदुर महात्मा विदुर जो अभी यात्रा छोड़ के हस्तिनापुर आते हैं धृतराष्ट्र को देख के बोलते हैं कि हे राजा धृतराष्ट्रम अबासत राजम निर्गमयताम शीघ्रम। वो बोलते हैं हे राजा अब जल्दी से घर से निकल जाओ क्योंकि समय बीत चुका है, आपको ये बहुत पहले ही करने का था, अभी आप इतने बूढ़े हो गए हैं। पश्येदम भयम आगत आपके चेहरे पे देखो कितना भय आ गया है, तो इसलिए और डिले मत करो, डोंट डिले फर्दर, ऑलरेडी बहुत समय चला गया है। गीता भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं भक्ति कब शुरू करना चाहिए, कौमारम आचरे प्राज्ञो, जब कोई लड़का 5 साल का है तभी उसको भक्ति के मार्ग में लगना है। आप तो ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो चुके हो, अभी और क्या रह गया जिंदगी में, राइट? युद्ध हो गया, आपके बच्चे मर गए, पोते मर गए, सब मर गए, फिर भी आप सिंहासन पर बैठ के क्या कर रहे हैं हस्तिनापुर पे? जल्दी निकल जाओ, डू नॉट डिले। परपोट, क्रूअल डेथ केयर्स फॉर नन बी ही धृतराष्ट्र और इवन महाराज युधिष्ठिर। तो जो मृत्यु है क्रूर मृत्यु कौन है वो सामने देखता नहीं है, धृतराष्ट्र है कि युधिष्ठिर है, हर एक को मृत्यु आना है 100%।
सर्टन। इंग्लिश में जब बोलना है कि ये चीज़ 100% होने वाला है तो हम बोलते हैं एज सर्टन एज डेथ। जैसे मृत्यु आता है हर एक को आएगा, व्यक्ति कोई भी रहेगा, राजा रहेगा, मंत्री रहेगा, भिखारी रहेगा, हर एक व्यक्ति को मृत्यु आता है। जैसे चाइनीज में एक सेइंग है, एट द एंड ऑफ द चेस गेम बोथ द किंग एंड द पॉन गो इन द सेम बॉक्स। वो चेस गेम में अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग लोग होते हैं वो चेस गेम में, राजा, रानी, मंत्री, राइट, हाथी और सैनिक। पर चेस गेम जब समाप्त होता है जितने भी पॉन हैं वो सब एक ही बॉक्स में जाते हैं। तो वैसे मृत्यु जो है हर एक को समान दृष्टिकोण से देखता है, मृत्यु सर्व हरश्च हम, सब कुछ लेके जाएगा। तो इसलिए मृत्यु हर एक को आएगा, धृतराष्ट्र को, महाराज युधिष्ठिर को, हर एक को। जब युधिष्ठिर महाराज जब वन में थे उनके सामने वो यक्ष आता है और युधिष्ठिर को पूछता है सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। तो बोलते हैं रोज बहुत सारे लोग यमालयम यमलोक में जाते हैं मर के, पर जो लोग जीवित हैं उनको क्या लगता है बहुत समय है। ये सबसे बड़ा ब्रह्म है, सबसे बड़ा माया है, क्या है, समय बहुत है मेरे पास। श्रील प्रभुपाद जब हमारा मायापुर का पहला बिल्डिंग बना था, श्रील प्रभुपाद छत पे अपने भक्तों के साथ चल रहे थे और छत पे सडनली सामने एक सर्प आ गया, सांप। तो प्रभुपाद बोले जनरली सांप धरती पे चलता है, जमीन पे, छत पे चढ़ता नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला ये सांप कैसा आ गया, तो इसका मतलब है मृत्यु का सांप किधर भी पहुंचेगा। आप जिधर भी रहेंगे आपका कौन सा भी अवस्था रहेगा मृत्यु आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं मृत्यु हर एक को आता है, धृतराष्ट्र हो या युधिष्ठिर हो। Therefore, spiritual instruction as was given to old Dhritarashtra was equally applicable to younger Maharaj Yudhishthir. इसलिए जो अभी विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो जो उपदेश युधिष्ठिर महाराज के लिए भी है, हालांकि वो नौजवान है उनके लिए भी है, क्योंकि किसी को पता नहीं कितना समय बाकी है, वो सबसे बड़ा मिस्ट्री है, कितना समय बाकी है पता नहीं। तो बुढ़ापे का डेफिनेशन क्या है, बुढ़ापे का डेफिनेशन मतलब जितना मृत्यु के निकट हैं उतने बूढ़े हैं, है कि नहीं। हम बोल सकते हैं क्या 20 साल का जो नौजवान है वो बूढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर उसका मृत्यु अगला दिन होने वाला है तो ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है। तो इसलिए ऑलरेडी इट इज़ लेट। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर विदुर अभी धृतराष्ट्र को दे रहे हैं वो सिर्फ धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, महाराज युधिष्ठिर के लिए है, वहाँ पर उपस्थित सब हस्तिनापुर के वासी के लिए है और हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब के पास मृत्यु निकट है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है मृत्यु कहाँ पे है, हमारे साथ ही चलता रहता है, हमारे साथ ही कंटिन्यूस चलता है, हमको दिखता नहीं है, सही समय पे वो वार करता है, बस कंटिन्यूसली ही इज विद अस। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन आता है, काल के प्रभाव को देखता है, वो देखता है कि समय बीत रहा है, राइट, मैं धीरे धीरे, मुझे समझ में नहीं आता पर धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मृत्यु के निकट आ रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी वन इन द रॉयल पैलेस इंक्लूडिंग द किंग एंड हिज ब्रदर्स एंड मदर वर रैपली अटेंडिंग द लेक्चर। तो विदुर जो उन्होंने मैत्रेय ऋषि से सीखा था और जो अनुभव पाया था, अभी धृतराष्ट्र को प्रवचन दे रहे हैं, पर सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के जो माँ है कुंती, युधिष्ठिर के जो भाई है पांडव और सब लोग वो प्रवचन सुन रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता है ये प्रवचन सिर्फ धृतराष्ट्र के लिए नहीं, हम सब के लिए है, पर्सनली फॉर अस। इसलिए भागवतम गीता पढ़ने का तरीका क्या है, ये समझना कि ये श्लोक कृष्ण या विदुर जो भी है मेरे लिए बोल रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं, धृतराष्ट्र के लिए नहीं, युधिष्ठिर के लिए नहीं, दिस इज माई पर्सनल इंस्ट्रक्शन, भगवान मेरे लिए डायरेक्टली बोल रहे हैं। बट इट वॉज नोन टू विदुर that his instruction was especially meant for Dhritarashtra, who was too materialistic. हालांकि ये उपदेश जो आध्यात्मिक उपदेश विदुर दे रहे हैं सबके लिए है, पर खासकर धृतराष्ट्र के लिए था, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत आसक्त था, उसके जो इंद्रिय भोग और सुख सुविधा के
जो इच्छाएं हैं अब तक खत्म नहीं हुआ. द वर्ड राजन स्पेशली एड्रेस टू धृतराष्ट्र सिग्निफिकेंटली. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं राजन निर्गम्यताम शीघ्रम. अभी धृतराष्ट्र तो राजा नहीं है, राजा कौन है? युधिष्ठिर. पर विदुर पर्पस से ये शब्द यूज करते हैं राजन, कि अभी भी राजा तो नहीं है आपके पास, सिंहासन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को राजा मान के इधर ही बैठे हैं. धृतराष्ट्र वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर. तो विचित्र वीर के सबसे वरिष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र है, तो नियम के अनुसार धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए. बट बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ ही वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम हिज राइटफुल क्लेम. पर क्योंकि कर्म के वजह से बचपन से ही अंधे हैं, इसलिए उनको सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं मिला. तो इसलिए हमारे कर्म पे रो के फायदा नहीं है, कर्म को स्वीकार करना है. कोई अंधा पैदा होता है, किसी का शरीर और कुछ होता है, इसके साथ झगड़ा करके फायदा नहीं है, क्या होगा, और कष्ट ही होगा जिंदगी में. कर्म को स्वीकार करना अच्छा है. जो भगवान ने हमारे लिए प्लान बनाए हैं उसको एक्सेप्ट करो. एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा एक लिबरेटिंग इमोशन होता है. जब हम स्वीकार करते हैं तब हम शांत रहते हैं. पर धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं कर पाया, वो सहन नहीं कर पाया कि मैं तो सबसे वरिष्ठ पुत्र हूँ, मैं अंधा कैसे पैदा हुआ, कुछ भी करके मैं आसन पर बैठूंगा, उसका इच्छा छुटा नहीं. बट ही कुड नॉट फॉरगेट द बिरीवमेंट एंड हिज डिसअपॉइंटमेंट वॉज समवॉट कॉम्पनसेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ पांडु हिज यंगर ब्रदर. तो इसलिए हालांकि धृतराष्ट्र अंधा था, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, उसके जो छोटे भाई है पांडु उनको सिंहासन दिया गया, वो राजा बन गए. पर धृतराष्ट्र हमेशा उसको बुरा लगता था, मैं क्यों नहीं, वो क्यों, मैं क्यों नहीं. तो जो ईर्ष्या का भावना है उससे जिंदगी में बहुत कष्ट आता है, अपने आप भी कष्ट आता है, दूसरे के जिंदगी में भी आता है. ये ईर्ष्या की वजह से दुर्योधन के अंदर भी वो ईर्ष्या चला गया उसके बेटे में, और पूरा जो संसार है करोड़ों लोग मर गए. क्यों? एक व्यक्ति की ईर्ष्या की वजह से वो स्वीकार नहीं कर पाया जिंदगी के सत्य को. तो इसलिए जब पांडु मर जाते हैं जल्दी तो धृतराष्ट्र खुश हो जाता है, उसको लगता है अभी मैं राजा सिंहासन पर बैठूंगा. हिज यंगर ब्रदर लेफ्ट बिहाइंड सम माइनर चिल्ड्रन एंड धृतराष्ट्र बिकेम द नेचुरल गार्डियन ऑफ देम. बट एट हार्ट ही वॉन्टेड टू बिकम द फैक्चुअल किंग एंड हैंड द किंगडम ओवर टू हिज ओन सन्स बिहेडर बाय दुर्योधन. तो जब पांडु मर गए तब धृतराष्ट्र को टेम्पररी राजा बनाया गया. पर धृतराष्ट्र को हमेशा इच्छा था राजा बनने का, इसलिए हालांकि पांडु के जो पुत्र है पांडव है उनका पालन पोषण किया धृतराष्ट्र ने, पर उसके हृदय में हमेशा उसको राज सिंहासन चाहिए था, और उसका इच्छा था मेरे बाद मेरे पुत्र राज करने चाहिए, मैं और मेरा. विथ ऑल दीज इम्पेरियल एम्बिशंस धृतराष्ट्र वॉन्टेड टू बिकम अ किंग एंड ही कंट्रीव्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंट्रिग्स इन कंसल्टेशन विथ हिज ब्रदर इन लॉ शकुनी. तो ऐसा गलत इच्छाओं को रख के, ऐसा स्वार्थ और भोग करने का प्रवृत्ति रख के धृतराष्ट्र शकुनी के साथ अलग अलग चाल रचाता है, अलग अलग कार्य करता है, जिसके वजह से पांडव सब मर जाए. बट एवरीथिंग फेल्ड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड एंड एट द लास्ट स्टेज इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग मेन एंड मनी ही वॉन्टेड टू रिमेन अ किंग बींग द एल्डेस्ट अंकल ऑफ महाराज युधिष्ठिर. तो आसक्ति कितना गहरा है यहाँ पे देखिए. तो उसका बहुत इच्छा था राजा बनने के लिए, हर कोई प्रयास किया उसने, जितना भी रूल तोड़ना है हर कुछ तोड़ लिया, और उसके और उसके बेटे को राजा बनने का प्रयास किया. पर भगवान का इच्छा और कुछ था, भगवान की इच्छा के सामने कौन झगड़ा कर सकता है, अल्टीमेटली कृष्णास विल विल वर्क. तो भगवान की इच्छा के सामने धृतराष्ट्र के सब पुत्र मर गए, वो सब भगवान ने मार दिया पांडवों के द्वारा, और उसके हाथ से धन भी सब चला गया, लोग भी चले गए, धन भी चला गया, फिर भी इच्छा नहीं गया. तदपिन्न मुच्चति आशा पिंडम, इच्छा नहीं गया राजा बनने का. तो इसलिए अभी भी युधिष्ठिर जिसने
उनके सब पुत्रों को मारा था, उनके अधीन में रह के उनका जो अन्न का के फिर भी धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में ही है। महाराज युधिष्ठिर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी मेंटेन धृतराष्ट्र इन रॉयल हॉनर एंड धृतराष्ट्र वॉज हैप्पीली पासिंग अवे इज इन इज नंबर्ड डेज इन द इल्यूजन ऑफ बींग अ किंग और द रॉयल अंकल ऑफ किंग युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर इतने महान राजा हैं, हालांकि धृतराष्ट्र ने इतना सब कुछ कर दिया उनको मारने के लिए, जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं तभी भी वो धृतराष्ट्र को बहुत सम्मान देते हैं। इनफैक्ट युधिष्ठिर कुछ भी डिसीजन धृतराष्ट्र का सलाह ले भैया करते नहीं है। युधिष्ठिर की महानता देखो, पर धृतराष्ट्र का क्या लगता है, देखो अभी भी मुझे महान सम्मान दे रहे हैं तो मैं इधर ही बैठता रहूँगा। तो जिसको सम्मान के प्रति आसक्ति होता है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नॉट रेडी टू गिव अप। प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं, जब महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के प्रति, तो महात्मा गांधी बोल रहे थे सब कुछ त्याग दो, ब्रिटिश के कपड़े, ब्रिटिश का डिग्री, सब कुछ छोड़ दो। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा जज था ब्रिटिश के गवर्नमेंट में, जिसको बहुत बड़ा तनख्वाह मिलता था, बहुत मान सम्मान मिलता था। तो महात्मा गांधी ने उसको फोर्स किया कि सब कुछ त्याग दो, ब्रिटिश का कुछ नहीं चाहिए। तो इसने सब त्याग दिया, मान सम्मान पैसा सब कुछ छोड़ दिया, थोड़े ही सालों में मर गया, क्योंकि इतना आसक्त था वो मान सम्मान के लिए, जब उसके हाथ से चला गया अपना जिंदगी रख नहीं पाया। तो इसलिए धृतराष्ट्र, हालांकि उसके थोड़े ही दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बाकी हैं, फिर भी आसक्ति छोड़ नहीं रहा है। विदुरा एज अ सेंट एंड एज अ ड्यूटी बाउंड अफेक्शनेट यंगेस्ट ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र वॉन्टेड टू अवेकन धृतराष्ट्र फ्रॉम द स्लंबर ऑफ डिजीज एंड ओल्ड एज। पर विदुर, धृतराष्ट्र की भाग्य है कि उनको विदुर जैसे छोटे भाई हैं। तो विदुर जानते हैं तीर्थ यात्रा में है, पर उनके मन में धृतराष्ट्र ही है, उसका उद्धार करना है कैसे। तो इसलिए विदुर वापस आते हैं और अपने जो बड़े भाई है धृतराष्ट्र को प्रचार करते हैं, जो अभी सोया है माया के गोद में, अच्छे से सोया है धृतराष्ट्र, उसको उठाने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी को उठाना है, जब आदमी बहुत गहरी नींद में है, तब क्या करना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है पूरा। तो विदुर आके धृतराष्ट्र को हिला रहे हैं और बोल रहे हैं देखो अभी नहीं उठोगे तो फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु तुमको निगल देगा। विदुर देयरफॉर सरकास्टिकली एड्रेस धृतराष्ट्र एज द किंग विच ही वॉज एक्चुअली नॉट। इसलिए मजाक में विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं राजन, राजा तो है ही नहीं, फिर भी अभी भी धृतराष्ट्र को जब राजा शब्द सुनता है उसको अच्छा लगता है। तो विदुर बोलता है ये शब्द सुनने के लिए इधर ही पड़ा रहेगा क्या, निकलो तुम बाहर। एवरी वन इज अ सर्वेंट ऑफ इटर्नल टाइम एंड देयर फोर नो वन कैन बी अ किंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये दुनिया में कोई राजा नहीं बन सकता, एक ही राजा है समय, और कोई राजा नहीं है, हर कोई समय का दास है। ये जो समय है हर किसी को समाप्त कर लेता है। तो हालांकि धृतराष्ट्र को अच्छा लग रहा था राजा राजा सुनने में, पर विदुर बोलते हैं राजा भी समय के साथ बचता नहीं है, इसलिए समय के काल को समझो और समझो कि तुम्हारे हाथ से ये काल निकल रहा है। द सेलिब्रेटेड किंग इंग्लिश किंग, किंग मीन्स द पर्सन हु कैन ऑर्डर, द सेलिब्रेटेड इंग्लिश किंग वॉन्टेड टू ऑर्डर टाइम एंड टाइड बट टाइम एंड टाइड रिफ्यूज टू ओबे हिज ऑर्डर। तो राजा मतलब राजा को क्या अच्छा लगता है, दूसरों को आदेश देने में, आदेश देता रहता है, पर उसको पता नहीं तुम सबको आदेश दे सकते हो पर समय को आदेश नहीं दे सकते, समय तुमको आदेश देगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक इंग्लिश राजा था, तो उसका इच्छा था समय और टाइड, समुद्र की लहरों को रोकना, समुद्र में लहरें आती रहती है, तो इसने आदेश दिया था समय रुकना चाहिए और समुद्र में लहरें रुकनी चाहिए। उसके आदेश को किसी ने सुना नहीं और समय चलता गया और लहरें चलती गई। तो इंग्लिश में सही है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है।
मैं जब गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, हमारे फर्स्ट ईयर में एक इंग्लिश टीचर आती थी हमको सिखाने के लिए इंग्लिश कैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है वो ये सेंटेंस हमको सिखाती थी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और बोलती थी कि कैसे ये शब्द है, ये जो वर्ड्स हैं कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। पर आश्चर्य की बात है ये जो टीचर है एक दो साल में वही मर गई। हालांकि प्रैक्टिस कराया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, पर उसको पता नहीं था वो जिंदगी का सत्य है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। Therefore, one is a false king in the material world, and Dhritarashtra was particularly reminded of this false position and the factual fearful happenings which had already approached him at that time. तो इसलिए ये दुनिया में कोई राजा नहीं है, जो राजा का पदवी है किसी का वो सब ब्रह्म है, क्योंकि थोड़े ही समय के लिए है। इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को याद दिलाते हैं कि ये जो राजा का पदवी है तुमको बचाने वाला नहीं है, और देखो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर भय आ चुका है, तुमको पता है तुम मृत्यु के बहुत करीब हो। जब अगर बच्चे ने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया, कौन सा बच्चा एग्जाम के लिए डरता है, जिसको पता है एग्जाम अभी आ रहा है पर तैयारी तो कुछ किया ही नहीं उसने, तो मन में डर आ जाता है। जिसने तैयारी किया है वो एग्जाम कॉन्फिडेंटली जाता है, क्योंकि उसको पता है होने वाला एग्जाम, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। धृतराष्ट्र के मन में भय क्यों आ गया था, उसको पता है समय जा रहा है, मृत्यु के करीब हो, पर प्रिपरेशन कुछ किया ही नहीं उसने। इसलिए विदुर आके बोलते हैं मैं अभी क्रैश कोर्स कराऊंगा तुमको, राइट, थोड़े दिन में मैं सब कुछ सिखाता हूं तुमको और तुम निकल जाओ। विदुर आस्क्ड हिम टू गेट आउट इमीडिएटली इफ ही वॉन्टेड टू बी सेव फ्रॉम द फियरफुल सिचुएशन विच वॉज अप्रोचिंग हिम फास्ट। इसलिए विदुर बोलते हैं समय नहीं है, शीघ्र जल्दी निकलो, राइट। तो ये दो उपदेश है वो हम सबके लिए भी है, समय बहुत कम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भी प्रवचन देते थे, प्रभुपाद के प्रवचनों में एक प्रभुपाद का भावना आता था। प्रभुपाद हमेशा भक्तों को ये समझाते थे कि हमको जल्दी करना है, इन दिस लाइफ वी हैव टू फिनिश, क्योंकि मृत्यु कब आएगा हमको पता नहीं। ही डिड नॉट आस्क महाराज युधिष्ठिर इन दैट वे बिकॉज ही न्यू दैट अ किंग लाइक महाराज युधिष्ठिर is aware of the all fearful situations of this flimsy world and would take care of himself in due course, even though Vidura might not be present at that time. तो हालांकि विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं तू निकल जा, विदुर युधिष्ठिर को बोलते नहीं है। युधिष्ठिर भी राजा है पर विदुर युधिष्ठिर को बोलते नहीं है तुम निकल जाओ, क्योंकि विदुर को पता है युधिष्ठिर महात्मा है, उनको काल के बारे में पता है, उनके ये भौतिक पदवी इसके साथ आ सकती नहीं है, और सही समय पे युधिष्ठिर निकल जाएंगे। हम देखेंगे ये अध्याय छोड़ के द नेक्स्ट, उसके बाद वाला दूसरा अध्याय जो है उसमें पांडवास रिटायर टाइमली, कैसे युधिष्ठिर सही समय पे छोड़ के निकलते हैं। इसलिए विदुर को पता था शायद मैं भी नहीं रहूँगा, पर विदुर अपना युधिष्ठिर अपना ख्याल रख लेंगे, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उनको ये चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है। पर धृतराष्ट्र क्योंकि आसक्त हैं, विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं राजम निर्गमयताम शीघ्रम, जल्दी से निकल जाओ। टेक्स्ट 19, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् काला सर्वेषां न समागत। दिस फ्राइटफुल सिचुएशन cannot बी remedied by एनी पर्सन इन द material वर्ल्ड। My लॉर्ड, इट इज द सुप्रीम पर्सन of Godhead as eternal time that has approached us all। तो बोलते हैं ये जो भय वाला परिस्थिति है, क्योंकि आप मृत्यु के पास आए हैं, ये भौतिक दुनिया में इसका सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। मृत्यु से मृत्यु पर विजय पाने के लिए भौतिक दुनिया में कुछ सोल्यूशन नहीं है। इसलिए कुलशेखर महाराज उनके प्रार्थना में बोलते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब।
बोलते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशनम, यह शरीर का परिणाम क्या होगा, पतत्ति अवश्यम शतसंधि जर्जरम, हमारे शरीर के हर एक अंग में दर्द होगा और निश्चित रूप से ये गिरने वाला है, पतत्ति अवश्यम 100% गिरेगा। तो इसका सल्यूशन क्या है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, जैसे किसी को एक डिजीज होता है, बीमारी होता है, रसायन मिलता है, टॉनिक मिलता है, तो मृत्यु से परे होने के लिए टॉनिक क्या है, कृष्ण कथा, कृष्ण रसायन, राइट। तो इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं ये मृत्यु, ये भयभीत स्थिति से बाहर उठने के लिए भौतिक दुनिया में कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो काल है स्वयं भगवान है और हमको निगल रहे हैं, राइट। जैसे गीता में जब भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं तब अर्जुन भगवान को देख के भयभीत हो जाते हैं विश्वरूप, तो बोलते हैं आप कौन हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, हु आर यू, तो समय कृष्ण बोलते हैं कालोस्मि भरतश्रभ, मैं काल हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद बहुत सारे अमेरिका में ये प्रभुपाद बहुत सारे वैज्ञानिकों से रईस लोगों से मिलते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेसिडेंट्स वगैरह, तो प्रभुपाद ऐसे एक डिस्कशन चल रहा है, सब भक्त लोग बैठे हैं तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं अगर आप कृष्ण में विश्वास नहीं करेंगे, कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, अगर आपको लगेगा कि भगवान है ही नहीं, तब कृष्ण आएंगे आपके पास, कब, मृत्यु के रूप में आएंगे और उस समय विश्वास करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अभी मैं कृष्ण पर विश्वास नहीं करता, भगवान भगवान कोई नहीं है, पर भगवान आपको दिखेंगे, कैसे, मृत्यु के रूप में दिखेंगे, तभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए विदुर बोल रहे हैं स एष भगवान काल सर्वेशाम न समागत, तो ये काल कौन है, स एष भगवान, स्वयं भगवान ही है, परपोर्ट, देयर इज नो सुपीरियर पावर विच कैन चेक द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ, तो कौन सा भी शक्ति नहीं है जो मृत्यु को रोक सकता है, कौन सा भी शक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु को, मृत्यु पे विजय ही पा सकता है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, हाउएवर अक्यूट द सोर्स ऑफ बॉडीली सफरिंग्स में भी, तो जिंदगी में व्यक्ति को कितना भी कष्ट हो शारीरिक रूप में है, वो मरना नहीं चाहता, शरीर में कष्ट भी हो सहन करेगा, पर कोई शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इवन इन द डेज ऑफ सो कॉल्ड साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज देर इज नो रेमेडियल मेजर ईदर फॉर ओल्ड एज और फॉर डेथ, तो आजकल हालांकि इतना विज्ञान बढ़ गया है फिर भी मृत्यु के लिए, बुढ़ापे के लिए और बीमारी के लिए कुछ सोल्यूशन नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस, किसको पता था ये वायरस आएगा, अब तक सोल्यूशन भी नहीं निकला, राइट। तो लोगों का बहुत घमंड रहेगा कि हमने सब चीज़ का सोल्यूशन ले लिया है, पर कौन सा जो दवाई है वो देख के कोई आदमी मर ही नहीं सकता, परमानेंटली अमर रहेगा संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी का भी मृत्यु आता है, देवताओं का भी मृत्यु आता है, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। ओल्ड एज इज द नोटिस ऑफ द अराइवल ऑफ डेथ सर्व्ड बाय क्रूअल टाइम एंड नो वन कैन रिफ्यूज टू ईदर टू एक्सेप्ट ईदर समवन कॉल्स और द सुप्रीम जजमेंट ऑफ इटर्नल टाइम। तो जब व्यक्ति मरने वाला है उसके पहले क्या आता है, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया मतलब सिग्नल आ गया, क्या सिग्नल, बहुत जल्दी आपको निकलना है दुनिया से, टाइम आ गया, राइट। तो बाल सफ़ेद हो गए, कुछ हो गया, मतलब समझना चाहिए इंडिकेशन है, मैसेज है। जैसे कोर्ट में भेजते हैं ना किसी को, अगर बुलाना है तो पहले नोटिस भेजते हैं, कोर्ट पे आ जाओ ये दिन, नहीं आता तो दूसरा नोटिस जाता है, तीसरा नोटिस जाता है, उसके बाद भी नहीं आता तो सीधा पुलिस आके उठा के लेके जाएगा, उसके बाद नोटिस नहीं आता। तो एक बार एक व्यक्ति मर गया तो यमराज के पास गया और यमराज को बोलता है नीचे के कोर्ट में भी तीन बार नोटिस आता है, तुमने कुछ नोटिस दिया नहीं, ऐसे ही उठा लिया। तो यमराज बोलते हैं दिया था मैंने नोटिस, हाँ तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तूने हेयर डाई मार लिया, राइट, तुम्हारे दांत गिर गए, तूने डेंचर लगा दिया, तुम्हारे रिंकल्स आ गए, तूने फेस लिफ्ट करा लिया, उसके बाद क्या करूँ, सीधा उठा लिया मैंने तुमको, राइट। तो भौतिक दुनिया में भगवान नोटिस देते हैं, आजू बाजू लोग मरते हैं, हमारे शरीर में भी अलग अलग विकार आते हैं, पर हम क्या करते हैं,
इसको आंख बंद करके हमारा गाड़ी चलाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जब बुढ़ापा आता है उसका मतलब नोटिस आ गया। दिस इज एक्सप्लेन्ड फॉर धृतराष्ट्र बिकॉज ही माइट आस्क विदुर टू फाइंड आउट सम रेमेडियल मेजर फॉर द इमिनेंट फियरफुल सिचुएशन एज ही हैड ऑर्डर मेनी टाइम्स बिफोर। तो प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। तो विदुर पहले ही से ही धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं ये तेरे मृत्यु के लिए, बुढ़ापे के लिए और कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि विदुर को पता है ये नहीं बताऊंगा तो धृतराष्ट्र क्या बोलेगा, कुछ सोल्यूशन ढूंढ के दो, राइट, कुछ तो मेडिसिन ढूंढ के दो। तो विदुर को पता है धृतराष्ट्र बात भी करता है तो सब बकवास ही करता है, तो इसलिए वो बात करने से पहले विदुर ने बोल दिया इस बार तुम बात नहीं करोगे, मैं बात करूंगा, तुम सिर्फ सुनो बस, राइट। बिफोर ऑर्डरिंग हाउएवर विदुरा इन्फॉर्म धृतराष्ट्र दैट देयर इज नो रेमेडियल मेजर बाय एनीवन और फ्रॉम एनी सोर्स इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो धृतराष्ट्र पूछने से पहले ही, मूर्खता से पूछने से पहले ही विदुर ने बता दिया कि भौतिक दुनिया में मृत्यु और बुढ़ापे के लिए कुछ सोल्यूशन नहीं है, तीनों जगह ढूंढ लो, कुछ सोल्यूशन नहीं है। एंड बिकॉज देयर इज नो सच थिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड डेथ इज आइडेंटिकल विद द सुप्रीम लॉर्ड As it is stated by the Lord Himself in Bhagavad Gita 10.34। तो क्योंकि मृत्यु का ये दुनिया में कुछ रेमेडी नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, इसलिए ये मृत्यु कौन है, स्वयं भगवान है, भगवान के साथ कोई जीत नहीं सकता। तो इस तरह से विदुर धृतराष्ट्र को धीरे धीरे ज्ञान दे रहे। तो इसका और एक सेक्शन है तात्पर्य का, वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।